नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग माननीय आवासन एवं शहरी राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, आदरणीय सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोज जोशी जी, CPWD के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी, अतिथिगण और साथियों, यह पूरे CPWD परिवार के लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारा विभाग आज अपने गौरवशाली अस्तित्व के 169 वर्ष पूरे कर रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं संपूर्ण CPWD परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे अति विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। इस समारोह में मैं आपकी उपस्थिति के हमारे लिए प्रेरणादायक और मनोबल बढ़ाने वाली है। प्रतिस्पर्धा और बदलते तौर तरीकों के युग में मैं किसी भी संगठन का 169 वर्ष से भी अधिक समय तक अस्तित्व में रहना एक दुर्लभ बात है। इसलिए ऐसी उपलब्धियों और सफलताओं की प्रगतिशील यात्रा का जश्न मनाने का आज उपयुक्त अवसर है। मैं आप सभी को सहर्ष बताना चाहता हूँ कि पिछले फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में विभाग ने 21,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे वर्कलोड हासिल किया है। हमारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट और अन्य कर्मचारियों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अतः इसलिए ये प्रशंसा के पात्र हैं। आज समय तकनीक पर आधारित है और भारत सरकार तकनीक ग्रीन और एफिशिएंट बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमने अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। हमने पूरे भारत में हमारे द्वारा मेंटेन किए जा रहे केंद्रीय सरकारी भवनों में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और सोलर पैनल लगाए हैं और सुमे भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत हमारे द्वारा मेंटेन किए जा रहे भवनों की पूरी तरह से सुमे बनाया गया है। CPWD अपने प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रीयूज करने में जोर देता है। इस वेस्ट को रिसाइकल रीयूज करने के लिए फील्ड यूनिट्स को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन का एक प्रमुख आधार श्रमजीवी हैं, हमारे वर्कर हैं और इन श्रमजीवियों का कल्याण, सुरक्षा, देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। IIT तिरुपति में हमने श्रमजीवियों के लिए आवास, टॉयलेट, खाना बनाने के लिए बायोगैस, पीने का RO पानी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बच्चों के लिए स्कूल, पार्क की व्यवस्था की है। मेरी इच्छा है कि हम सभी प्रोजेक्ट्स में श्रमजीवियों का ख्याल रखा जाए और उनके वेलफेयर के लिए IIT तिरुपति मॉडल को यूज किया जाए। इस प्रोजेक्ट को लेबर वेलफेयर के लिए अभी तक 7 अवार्ड मिल चुके हैं। मंत्रालय के मार्गदर्शन में रियल टाइम मॉनिटरिंग, कंट्रोल और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हमने अपने सारे कामकाज को ERP के माध्यम से डिजिटाइज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के अलावा एक बड़ा काम भवनों की मेंटेनेंस करना है। हम लगातार अपनी मेंटेनेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से जुड़े इश्यूज का रिव्यू करने के लिए हम ऑल ओवर इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। हम इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे पूरे हों और उनकी डिलीवरी में किसी प्रकार की देरी ना हो। इसलिए हम योजना बना रहे हैं कि हमारे 50 करोड़ से अधिक वाले प्रोजेक्ट्स में BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का प्रयोग हो। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपनी स्टेक होल्डर की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। मैंने पदभार संभालते ही व्यक्तिगत रूप से सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की है। आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे DSR केवल आइटम और प्राइस मेंशन होते थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एबंडेंट एनर्जी की वैल्यू भी मेंशन हो, ताकि टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में इसका भी ध्यान रखा जाए। HR फ्रंट में मैं आपको बताना चाहूँगा
कि विभाग में कर्मचारियों के समय पर प्रमोशन जैसे मुद्दों को हम सीरियसली देख रहे हैं। हमने एक महीने के अंदर ग्रुप बी और बिलो के 207 कर्मचारियों को प्रमोट किया है। अलग अलग फील्ड के कैडर से जुड़ी समस्याओं का भी हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। मैं विभाग के उन सब कर्मचारियों अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्हें अवार्ड के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें डीजी मेडल और कमेंडेशन सर्टिफिकेट आदि से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है CPWD की यह लघु फिल्म। हम चुनौतियों से नहीं घबराते, बाधाओं को देखकर भी हमारे कदम नहीं लड़खड़ाते। हमने पहाड़ों का सीना चीर, बर्फ को काट, समंदर को दान किए हैं कई निर्माण और बनाए हैं कीर्तिमान। हम हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। उपनिवेश काल से एक स्वतंत्र राष्ट्र होने तक पिछले 169 वर्षों से हर कदम पर हम राष्ट्र निर्माण में दे रहे हैं योगदान। आजादी के पहले विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार के सिविल इंजीनियरिंग कार्यों को करने के लिए की गई। हमने ही तो उस समय औपनिवेशिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक इमारतों जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि का निर्माण किया था। वर्ष 1947 भारत ने स्वतंत्रता का आलिंगन किया। उसके बाद विभाग को तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के रूप में पुनर्गठित किया गया। तब से लेकर अब तक CPWD ने उत्तर में लेह लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में रण ऑफ कच्छ तक हर एक कोने में निर्माण का परचम लहराया। 169 वर्षों से देश सेवा में कृत संकल्पित विभाग के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है कि ये देश के कोने कोने में 600 से अधिक विभागों के लिए काम कर रहा है। हमने भारत के कई प्रतिष्ठित स्थलों, सरकारी भवनों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया है। सेंट्रल विस्टा, प्रधानमंत्री संग्रहालय, एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, GPOA 2, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स और बॉर्डर रोड्स हमने ही तो बनाए। और अभी हाल ही में CPWD ने ही तो राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित किया है जिसकी चर्चा आज हर ओर है। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भव्य भवन का निर्माण कार्य हमने 2.5 वर्ष से भी कम समय में पूरा कर लिया, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। ये विभाग के सामर्थ्य, कार्य के प्रति निष्ठा व समर्पण का प्रमाण है। विभाग बॉर्डर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, बॉर्डर आउटपोस्ट, सड़क निर्माण जैसे कई चुनौतीपूर्ण कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। रक्षा मंत्रालय और सीमा से जुड़ी परियोजनाओं में अपनी सशक्त सहभागिता निभा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी विभाग एम्स और ESIC जैसे अस्पताल का निर्माण कर सेहत भी संवार रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में IIMs, IITs, KVs, NVs जैसे शिक्षण संस्थानों के निर्माण से उज्जवल भविष्य की राह भी दिखा रहा है। निर्माण के अलावा विभाग GPRA और GPOA की इकाइयों का रखरखाव भी करता है। विभाग का कार्य निर्माण और रखरखाव तक ही सीमित नहीं है, बिल्डिंग कोड, इंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स का कार्य भी ये सक्रिय रूप से करता रहता है। निर्माण के क्षेत्र में नई उभरती तकनीकों और निर्माण संबंधी त्वरित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभाग ने कई तकनीकों का हाथ थामा। कार्य में गुणवत्ता भी हो और गति भी,
इसी उद्देश्य से भवनों के निर्माण में नवीन निर्माण तकनीकों को जोड़ा गया है। ऊर्जा और जलवायु संरक्षण के प्रति भी सजग रहकर पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा रूफटॉप सोलर पैनल, एनर्जी एफिशिएंसी के उपाय, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्रोडक्ट्स, ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट और वृक्षारोपण समेत सभी अन्य उपलब्ध संसाधनों और तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा सभी परिसरों में जीरो डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट की अवधारणा के आधार पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है। विभाग ने अपना ग्रीन रेटिंग सिस्टम भी विकसित किया है, जिसके अंतर्गत भवनों का निर्माण ग्रीन फीचर्स के साथ किया जा रहा है। सुगम्य भारत योजना के तहत इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने का कार्य भी बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु CPWD भी प्रयासरत है। तभी तो विभाग की सभी गतिविधियों का ERP के माध्यम से डिजिटलीकरण किया जा रहा है। किसी भी परियोजनाओं में होने वाली देरी से बचने, पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाने के लिए विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि इसके सभी स्टेक होल्डर्स क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल्स के माध्यम से इसके नए सिस्टम से जुड़े रहे। विभिन्न शहरों में कामकाज की प्रगति को लेकर विभाग द्वारा समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके जरिए नए विचारों, मटेरियल्स और नवीनतम जानकारियों का आदान प्रदान भी किया जाता है। यही नहीं, 100 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी विभाग के मुख्यालय स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भी किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक माह के कार्यों की प्रगति से संबंधित न्यूज़लेटर भी प्रकाशित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन की ओर भी विभाग पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है। इसी दिशा में विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों का कार्यस्थल पर भी कौशल विकास किया जाता है। यही नहीं, CPWD ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन द्वारा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन, शिक्षा और खेल कूद का प्रबंध भी किया जाता है। विभाग पिछले एक दशक से बिना थके बिना रुके अपनी इस लंबी यात्रा में अनवरत आगे बढ़ रहा। गुणवत्ता, अखंडता और व्यावसायिकता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता ने इसे विश्वसनीय और भरोसेमंद संगठन के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। CPWD राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए अपनी प्रगतिशीलता और सेवा भाव के संकल्प के साथ भविष्य में भी नए भारत के निर्माण में इसी तरह जुटा रहेगा। 169 वर्षों से देश की सेवा में समर्पित हम हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। MOS, DG साहब, SDG और पिछले DG शैलेंद्र शर्मा साहब, चौहान साहब और यहाँ बैठे CPWD के सभी अधिकारीगण, पिछले 1.5 साल से CPWD के साथ मुझे काफ़ी नज़दीक से काम करने का अवसर मिला है, खासतौर पे उन प्रोजेक्ट्स में जो बहुत हाई प्रोफाइल और हाई क्वालिटी डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स में हैं। तो CPWD के डिफरेंट आस्पेक्ट्स नज़दीक से देखने का मौका मिला, ये पता चला कि कितना चैलेंजिंग है शॉर्ट टाइम में इस तरह के वर्क्स को कर पाना और किस तरह CPWD के इंजीनियर्स उस चैलेंज को बखूबी निभा रहे हैं। और जिस तरह कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट का ऑन टाइम हम लोग अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवरी कर पाए और साथ ही दूसरे तमाम प्रोजेक्ट्स जो भारतवर्ष में विभिन्न जगहों पे चल रहे हैं उसमें भी CPWD पिछले खास तौर पे जो कोविड के पीरियड के बाद अच्छी पेस पकड़ी है और बड़ा अच्छा काम कर पा रही है। मुझे
मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस 169th डे सभी ऑफिसर्स को। इस अवसर पे एक जो मुझे CPWD के बारे में और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में चीज़ें सीखने को मिली, उसमें से एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि वेंडर्स प्ले सच ए इम्पॉर्टेंट रोल इन CPWDs और एनी कंस्ट्रक्शन वर्क, खासतौर पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। ये मैं PWD में भी रहा था स्टेट गवर्नमेंट में, पर इतना नज़दीक से वर्क्स को कभी देखा नहीं था। ब्रॉड लेवल पे मॉनिटरिंग करते थे, तो जिस तरह से MSME या स्मॉल स्केल वेंडर्स, कुछ बड़े भी होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं, जिस तरह से उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिल्डिंग को कंप्लीट करने में, और चाहे वो वर्कर्स को लाने में हो, चाहे सप्लाई में हो, चाहे वर्क एग्जीक्यूशन में हो, सबसे क्रिटिकल रोल वही प्ले करते हैं। तो जो मुझे समझ में आया, जैसे कि उन लोगों को ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती रहती है। हम लोग CPWD की तरफ से 20% मोबिलाइजेशन एडवांस देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, कुछ उसमें से कॉन्ट्रैक्टर पास ऑन करते हैं, कुछ नहीं करते, डिपेंडिंग अपॉन बार्गेनिंग स्ट्रेंथ जो वेंडर की है और कॉन्ट्रैक्टर की है, उसी पर रेट डिसाइड होती है उनकी, और उसी पर उनकी फर्दर एडवांस या कितना एडवांस, 100% एडवांस पेमेंट करना होगा या 5 महीने बाद पेमेंट करना होगा, द रिलेटिव स्ट्रेंथ बार्गेनिंग स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में काफ़ी बड़ा रोल जो वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वेंडर्स होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और हमने शायद कभी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया, न हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, न बैंकिंग सिस्टम की तरफ से, कि जो MSME वेंडर्स है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पूरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। शायद वही बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम और कॉन्ट्रैक्टर तो सुपरविजन कर रहे हैं, हम विदाउट रिस्क सुपरविजन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर विद रिस्क सुपरविजन कर रहा है, पर काम तो वेंडर्स कर रहे हैं, और जो वेंडर्स वर्कर्स को लेके आ रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जितना हम उनकी वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करके बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, या हम लोग डायरेक्टली उनके रोल को रिकॉग्नाइज करके हम जितना उनकी वर्किंग कैपिटल को ऑगमेंट कर पाएंगे, मुझे लगता है कि जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, अंडर कोटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो रहा है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या कॉन्ट्रैक्टर की और भी प्रॉब्लम आ गई उनके कारण जो वर्क में डिले होती हैं, वो उनके तो अलग इश्यूज हैं, पर अगर वेंडर्स को जितना हम वर्किंग कैपिटल उनका ऑगमेंटेशन कर पाएंगे, उतना मुझे लगता है वर्क्स की स्पीड में हम अच्छा योगदान दे पाएंगे। और एक इतना बड़ा MSME सेक्टर है इंडिया में जो हमारे देश की ग्रोथ में योगदान दे रहा है, उसको हम जितना स्ट्रेंथन कर पाएँ उतना उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, उतना उनका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम CPWD के सिस्टम में इस बारे में हम सोच करके वेंडर्स को फॉर्मलाइजेशन ऑफ सिस्टम एंड उनकी वर्किंग कैपिटल ऑगमेंटेशन का एक काम हमें करने की बहुत ज़रूरत है। कल CPWD की टेक्निकल सेमिनार भी हुई और आप लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया। पिछले 1.5 साल से हम लोग ERP अडॉप्शन का काम CPWD में कर रहे हैं। Probably we need to do it even faster, and the entire technology adoption system, the way it's happening in market, I think we need to keep pace with that and do it as fast as possible, so that जितना भी हमारा जो काम चल रहे हैं उसको हम faster तरीके से कर सकें, better monitor कर सकें, better cash flow हो सके, और जो consultants इंजीनियर हमारे CPWD के इंजीनियर्स और वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है इसको हम जितना फास्ट कर सकें उतना हमारा वर्क एग्जीक्यूशन इम्प्रूव होगा। मैं एक बार फिर CPWD के सभी इंजीनियर्स को बधाई देता हूँ। 169th डे तो एक फॉर्मेलिटी है कि आपकी हिस्ट्री को शो करता है, और जिस तरह से CPWD आजकल वर्क डिलीवरी कर रही है जितनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस के साथ और एक एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ,
उसमें मैं सीपीडब्ल्यूडी के जिन लोगों ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा काम किया है, जिनको अवार्ड मिल रहा है, उनको खास तौर पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, पर सीपीडब्ल्यूडी की पूरी कम्युनिटी को मैं बधाई देता हूँ आपके एक्सेलेंट वर्क पे, जिसको कंट्री आज रिकॉग्नाइज कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ई निर्मित द्वारा विभाग की सभी कार्य प्रणालियाँ, विभाग की कई कार्य प्रणालियों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जो कि आधुनिकतम क्लाउड बेस्ड फुली इंटीग्रेटेड फुली स्केलेबल मॉडल पर आधारित है। इसके लिए मैं उप महानिदेशक इंस्पायर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन फॉर डिजिटल इंडिया। ओवर 30 ईआरपी मॉड्यूल्स एंड एप्लीकेशंस हैव गॉन लाइव एंड आर बीइंग यूज्ड इन द सीबीडब्ल्यूडी। टुडे a new set of 10 applications are being released for use along with new CPWD website. New ERP application for request for inspection, abstract of cost, e-measurement book, site register. MAS enables online recording of measurements by the contractors by calling the agreement details with bill of quantities from the ERP system and forwarding the measurements for online checks, verification and test checks by the field engineers. It also records and logs the geo-coordinates of all users working on the system. The module has inbuilt checks for preventive vigilance, such as not allowing backdating of measurements, limited time window for uploading measurements of completed items, checking location of measurements through a precise 7-level location directory, flagging levels of test checks by each field engineer, etc. It has auto algorithms for calculations for different shapes of items to avoid mistakes. 2. The new ERP application for online collection, refund, forfeiture of earnest money deposit allows collection, refund, and forfeiture of earnest money through online banking transactions using the SBI ePay. It enables tender inviting authority to initiate refund and forfeiture of EMD received electronically through the portal. 3. The new ERP module for estimation is a part of the online collaboration tool of ERP for pre-construction activities and is available online for preparation of detailed estimates and schedule of work with quantity takeoff from drawings and models prepared on building information modeling platforms or in standalone mode. The model allows users to prepare bill of quantities using TSR items or non-scheduled items through takeoff sheets extracted from 3D models and 2D drawings or through manual entry of quantities. It is integration ready with ERP modules such as technical sanction process and the e-tendering platform, and will expedite and make easy the whole process of preparing detailed estimates. 4. The new ERP application for analysis of rates and justification of tender rates enables online preparation of tender justification for various items of work and ascertaining of rate reasonability before award of work through the ERP database, which can call and use individual items in DAR and DSR. Users can always access updated DAR and DSR for working out market rates online. The application prepares a database of basic market rates taken for tender justification for future use and for data analytics by the CPWD directorate and field officers. 5. The new ERP application for online updation of DAR and DSR by the CSQ unit of CPWD is also being released. 6. The new ERP module for site order book, recording of hindrance and extension of time, enables online recording of observations and hindrances at site and its acknowledgement by all stakeholders of the work contract. 7. The new application integrated with CPWD eSeva for maintenance management processes and occupation or vacation of quarters is being released for use. 8. The new ERP application for payroll and reimbursement of claims of employees is also being released.
the new ERP application for opening and closing up CPWD office units is being released for use. 10. The new ERP application for budget distribution and expenditure report is also being released. And 11. The new CPWD website is being released today for use. The website has many improved features, such as improved visual aesthetics, interactive features for users, integration with CPWD ERP e-Nirmit, better showcasing of status of projects, better organized for user access with separate sections, more media friendly, and improved access to CPWD publications. This new website improves the overall visibility of CPWD and its capabilities to the public. समय समय पर अपडेट भी करता है। ये सर्वविदित है कि राष्ट्र स्तर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और विभिन्न सरकारी विभाग सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को उपयोग में लाते हैं। इस वर्ष सीपीडब्ल्यूडी 13 पुस्तकों को अपडेट करके उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पहला प्रकाशन है मेंटेनेंस मैनुअल 2023। इसके अनावरण में सहायता के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री प्रेम मोहन जी, चीफ इंजीनियर CSQ से, कि कृपया वो मंच पर आए और हमारे अतिथि गणों की पुस्तक के अनावरण में सहायता करें। अगला प्रकाशन है प्रिंट एरिया रेट्स 2023। अगला प्रकाशन है सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। अगला प्रकाशन है सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस। We have to go on stage, Shri Rajni,
प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आदि। May I have on stage Shri E.S. Chakrabarty, Executive Engineer Civil. Next for the DG Medal. Next, may I have on stage Shri Yashesh Vyas, Architect, Gandhinagar. Now, for the officers who have been selected for combination certificate, may I call upon Dr. Shishir Bansal, Chief Engineer, Civil, CE-CUM-ED, Badalgarh, Mumbai. Next, for the commendation certificate receiver, may I call the IIT Kanpur. Shri Praveen Kumar Agarwal. May I have on stage Shri Sarvesh Tiwari, Executive Engineer, Civil, Bhopal. The commendation certificate. Next, Srimati Saraswati on stage, Srimati Saraswati Kumar, Executive Engineer, Civil, Human Resources. Next in line is Shri Ajay Mittal. Shri Ajay Mittal, Executive Engineer, Punjab. May I have on stage Srimati Deepa Ravi. Shri Dhanabalan. Next, Shri V. Hyderabad. Next, may I have on stage Shri Anurag Singh Gangwar. Shri Anurag Singh Gangwar, Architect Chandigarh. May I have on stage Srimati K. Saraswati, Architect Kochi. Deputy Director of Horticulture, Shri D. Gonade, Nagpur. Now may I have on stage Shri B.A. Gonade, Deputy Director, Horticulture, Staff and Regions with Successful ERP Adoption. Now for the Successful ERP Adoption, Officer selected for Director General Medal in Best Performing Region category, Shri Fani Bhushan Singh, Special Director Region, Shri Fani Bhushan Singh, Special Director General, Mumbai. Next, may I have on stage Shri Ravindra Pratap Singh, Chief Engineer, ERP Adoption Category. Shri Ravindra Pratap Singh. We have on stage Shri Ravindra Pratap Singh, Chief Engineer, Engineer 2. Now, may I have on stage Shri Anand Kamal Pandey, Superintendent Engineer. For ERP Adoption Category, Director Medal. Now may I have on stage for ERP adoption category. Next may I have on stage Dr. Poonam Chand, Deputy Director of Horticulture. Successful ERP adoption category. May I have on stage Shri P. Shridhar, ERP adoption category. Next, may I have on stage Shri Atul Vaman Rao Sadhankar, Superintendent Engineer, Mumbai. Certificate receiver Shri Atul Vaman Rao Sadhankar, Superintendent Engineer, Mumbai. Next, may I have on stage Shri Sujit Kumar, Executive Engineer, Surin, Patna. Next, may I have on stage Shri N. Vivek Samuel Vedraj, Architect Kochi.
कुमार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चंडीगढ़। मैं हूं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। Biomedical research at Noor Valley, Tulkapalli, Hyderabad.
to receive the award. And we have to associate Shri Jayaram, Civil Engineer, Hyderabad. Special prize in Best Completed Project category. Next for Best EMS. Second prize in this category, Project Electrical Zone. And this is LPG. Next category is first prize goes to Global Center for Traditional Medicine, WHO at Jamnagar, Gujarat, under SDG Mumbai. We have it on stage, Sri V.P. Rao, Senior Architect, PRM. Second prize, we have it on stage, Sri Chaitanya Architect, under ABC Hyderabad. Third prize goes to Next Best Engineer Completed Project, first prize goes to IDBI Bank East Kidwai Nagar, New Delhi. Second prize goes to International Guest House NASP Complex, Pusat, New Delhi, and the Region ADG Delhi. And to receive the award, may I have a space? Third prize goes to Jodhpur Officers Cluster, New Delhi, and the Region SDG PRM. And to receive the award, may I have on stage Shri Sudhir Shivaji, Superintendent Engineer, Central Vista Project Circle. Next for Best Interior and Furnishing Design category, first prize goes to ECGC Office Building at Gurdapuri, Mumbai. May I have on stage Shri Atul S. Sadankar, SC Mumbai, from Shri Perambudur, Tamil Nadu. And to receive the award, may I request Shri S. Sundara. Shri S. Sundara Raju, Service Center for 350 GBRA at HSR Layout, Bengaluru, Electrical. And to receive the award, Shri K.K. Agarwal, Chief Engineer, Bengaluru. May I have on stage Shri K.K. Agarwal, 1373 GBRA, K.K. Nagar, Chennai, Electrical. May I have on stage Shri Rajesh Khare, Chief Engineer. And he goes to Service Center for 957 GBRA, SC, KSA, Sector 10, Vidyanagar, Jaipur City. Fourth prize in this category goes to Service Center Code 322 Nanakpura, New Delhi. And to receive the award, may I have on stage Shri Ajay Kumar, MD. Next category is Best Region in Adoption of New Technologies, Innovations and Advanced Project Management Tools in its works. And first prize is Shri Kavi Kumar Agarwal, SC Cum PG, Goa Circle. SC Cum PG, Goa Circle. Next category is Best Project for Labor Welfare and Safety Measure at Construction Site during Exhaust Stage, Shri B.S. Reddy, Chief, along with him, Shri Ramesh Garg, Chief Engineer Cum PG, and Shri Ramesh Garg, Chief Engineer. Next category is Best Newly Developed Hotel. सभी पुरस्कृत विजेताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय के सेक्रेटरी श्री मनोज जोशी जी, सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी, स्पेशल डीजी श्री रंजीत सिंह जी, सीपीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारीगण और स्टाफ के लोग उपस्थित थे, यहाँ पर मीडिया के सभी भाई बंद, सभी भाइयों और बहनों, ऐसा लग रहा था कि सीपीडब्ल्यूडी के 172 साल और प्राइज 170 ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा काम किया मुझे तो, जिन लोगों ने भी यहाँ पर प्राइज गेम किया है कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई ऐसी विधा जरूर रही है जो काम के प्रति पूरा इंटरेस्ट दिखाने का काम किया। टीम वर्क में आपने काम किया और कितनी बड़ी बात है कि 1854 में देश की आज़ादी के पहले CPWD का गठन हुआ और आज उसका 172वां वार्षिक दिवस हमारा देश मना रहा है। जब गठन हुआ था तब हम गुलाम भारत थे और उस समय जब आज़ादी का आंदोलन 1857 में चला प्रथम,
उसके पहले का गठन हुआ। बहुत से काम आपने किए देश के लिए, हर विधा में आपने काम किया, वो चाहे रिहायशी व संस्थागत भवन बनाने के मामले हो या सड़कें बनाना हो, पुनर्वास का करना हो। जैसे अभी मैं डीजी साहब से बात कर रहा था इसके बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में, तो उन्होंने बताया कि एक बार ये जल गई थी, उसके पहले बनाया था, इसका फिर से जो है इसको हमने ठीक करने का काम किया, फिर से इसको बनाया और एक अच्छी बिल्डिंग बना करके तैयार किया। रिस्टोरेशन का काम हो, ब्यूटिफिकेशन का काम हो, सभी बहुआयामी प्रकृति के निर्माण कार्यों में आपकी एक अहम भूमिका CPWD की रही है। अभी नया संसद भवन आपने बना करके तैयार किया, अब इसको अगर भावनात्मक रूप से देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब राजपथ का निर्माण करके कर्तव्य पथ बनाया था और वहाँ जाट पंचम की स्टैचू हटा करके हमारे देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जब प्रतिमा पर लगाई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम गुलामी के अवशेषों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपने नई पार्लियामेंट बना करके आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट बनाने का काम किया, इसके लिए मैं आपको बता दिल से किया आप लोगों ने, ये लगा कि आप अपनी पार्लियामेंट बना रहे, अपनी पार्लियामेंट बनाने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से उसको अच्छा एक रूप भी देने का काम किया। उसमें कई चीज़ें आपने दी, जैसे लोकसभा के अंदर हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो उनके छत में आपने मोर के साइन लिखाए, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल, तो राज्यसभा में उसकी पंखुड़ियाँ आपने दिखाने का काम, बहुत से ऐसा किया जैसे लगता है कि अपना देश की पार्टी बन जाए। तो पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन साहब से लोगों का सहयोग। अभी जब मैं बात कर रहा था अपने सेक्रेटरी साहब से और डीजी साहब से, तो हिंदुस्तान के बाहर भी आपने बड़े काम किए, नेपाल में, सूडान में आपको काम मिला, भूटान में आप किए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अफगानिस्तान में भी एक पार्लियामेंट बनाई है, बना करके उनको हैंड ओवर करने का काम किया, अफगानिस्तान में पार्लियामेंट। तो दुनिया के लिए मिलकर आप एक बेहतर काम कर रहे हैं, CPWD कर रही है और नए आयामों को आप स्थापित करने का काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि जिस तरीके से आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, सभी क्षेत्रों में आप एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, और सबसे पुराना ये डिपार्टमेंट है और जो आप तक की लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। मैं भी गया था पिछले बार हरियाणा के महेंद्रगढ़, वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही वहाँ पर भी CPWD काम कर रहा है। अभी कल कई वाइस चांसलर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, NIT IIT IIT के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ कल एक मीटिंग थी, उसमें कई वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज के हैं उनसे मेरी भी मुलाकात हुई और आए मेरे आवास पर उनसे बातचीत हुई। तो मालूम हुआ कि चाहे गांधीनगर में जो यूनिवर्सिटी है उसकी उसको भी CPWD बना रहा है, और अरुणाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको भी CPWD बना रहा है,
मैं भी बिलासपुर में गया छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया है और बाकी का जो निर्माण है वो भी CPWD का था। मैं वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी मुझे दिखाने का काम किया। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है बिलासपुर में, उस पर भी CPWD काम कर रहा है। पूरे देश के अंदर आप काम कर रहे हैं विकास का, बेहतर बनाने का। जिस तरीके से आप इन कार्यों को करने का काम कर रहे हैं और बेहतर निर्माण कर रहे हैं, मेरा एक अनुरोध है आपसे कि और गति बढ़ाने की जरूरत है इस पर, और थोड़ा गति बढ़ाएंगे समयबद्ध तरीके से कार्य जो पूरा करेंगे। जैसे कि पार्लियामेंट को भी आपने लगभग समयबद्ध तरीके से पूरा कर दिया और उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। तो इस तरह से जो काम कहीं पर भी हैं और थोड़ा उनको गति प्रदान करने का काम आप कर लेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपसे और दूसरे डिपार्टमेंट ऐसे भी सीख ले रहे हैं और भी सीख लेने का काम करेंगे। ये कि नज़ीर CPWD बनने का काम करेंगे। बहुत से काम हैं, आपने ज़्यादातर काम आपने समय सीमाबद्ध में पूरे किए हैं। कहीं थोड़ा बहुत अगर लेट लतीफ होता है तो उसको भी आप जल्दी ही पूरा कर देने का काम करते हैं, और ये पूरी आशा भी है सरकार को भी आप पर पूरी तरीके से इस बात का विश्वास और भरोसा है कि आप देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में CPWD की एक अहम भूमिका है, और ये देश एक विकसित देश बने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 तक अमृतकाल घोषित किया है, जो आज़ादी के 100 साल पूरे हो गए। आज़ादी के जब 100 साल पूरे होंगे तो निश्चित तरीके से उसमें देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक अहम भूमिका CPWD की होगी, बहुत एक अहम भूमिका होगी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छी तरीके से बनाने का काम आप करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं बहुत सी चीज़ें हैं, आपने कितने लोगों को, चाहे इंजीनियरिंग्स के मामले में हो, चाहे अन्य उसमें इलेक्ट्रिकल के मामले में हो, या IIT के मामले में, तमाम लोगों को प्राइज यहाँ पर मिला, पुरस्कार मिला, उनको खुशी तो जितनी है होगी ही, लेकिन हम लोगों को भी इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि वो प्राइज के हकदार है और उनको मिलना चाहिए। और वो इसीलिए जो है 169वें इस दिवस पर आपको, जिन लोगों को भी प्राइज मिला और जो लोग भी हैं उनकी टीम के जो लोग काम कर रहे हैं, हम सबको अपने मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी बिल्डिंग को बना देना और उसको उसका मेंटेनेंस बनाए रखना, बनाना एक अलग बात है, फिर वो मेंटेनेंस उसका बना रहे, उसकी एज बनी रहे और उसकी सुंदरता बनी रहे, इसमें एक अच्छा काम आप करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो जिन चीज़ों को आपने, वो तभी मेंटेनेंस रहता है जब उससे भावनाएं हमारी जुड़ी रहती है, वो संवेदनशील होते हैं, तभी उसका मेंटेनेंस भी बना करके रखने का काम करते हैं। और इस तरह से जो CPWD है, आज दूसरे देश के लोग अगर आपको काम देने का काम कर रहे हैं और अपने देश में बुलाने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धीरे धीरे ये है कि CPWD जो है केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि एक ग्लोबल संस्था बनता हुआ चला जा रहा है।
संस्था आप बनते चले जा रहे हैं, और कितना और इसका बेहतर तरीके से करेंगे कि दुनिया में डिमांड सिर्फ और सिर्फ आपकी ही, आपकी ही डिमांड हो, और वो आपकी कार्यशैली से निश्चित तरीके से एक दिन वो आएगा, निश्चित तरीके से जो सिर्फ आपकी ही डिमांड समझेंगे हिंदुस्तान के बाहर विश्व में। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं आपका, इस 169वें CPWD के जो ये गठन का दिवस है, और इंजीनियरिंग के जो हमारे संगठन का है उसका भी जो ये दिवस है, एक मिसाल के रूप में निरंतर इसको बनाए रखने का काम किया आपने लगातार, और आपके अंदर इसके लिए एनर्जी रहनी चाहिए। जब बड़े काम के लिए जब सोचते हैं करते हैं तो निश्चित तरीके से दिमाग में खाका रहता है कि हम कैसे करेंगे इसको, कितनी जल्दी पूरा करेंगे। तो ये आप कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे सबसे बड़े वाले भैया वो इलेक्ट्रीशियन थे, तो मुझे लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उस पर मुझे, मैं उनके साथ कभी कभी जाता था, मैं कहता था मुझे भी कहाँ नौकरी करते हो, तो बताते थे हवाई अड्डे का। मैंने कहा कि मुझे भी ले चलो जहाज़ देखना है, ले जाते थे मुझे बैठा के साइकिल से। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उनका ट्रांसफर हुआ, तो फिर मैंने पूछा कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, पहले वहाँ थे अब आप यहाँ आ गए। उन्होंने बताया कि हम CPWD डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रीशियन हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सबसे बड़े वाले भाई आज वो हमारे बीच में नहीं है, अभी कोरोना के पीरियड में उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो CPWD में इलेक्ट्रीशियन के पद पे थे। तो मुझे इसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मिल करके राष्ट्र के निर्माण में जो भी योगदान है, मित्रवत अपनी जिम्मेदारी निभा करते हैं, हम लोग चाहे आपको सब लोग करने का काम कर रहे हैं। और पुनः एक बार CPWD के 169वें वार्षिक दिवस के अवसर पर अपने सचिव श्री मनोज जोशी जी को और महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी को, स्पेशल डीजी श्री रंजीत सिंह जी को, और आप सब लोगों को, जितने भी अधिकारी हैं यहाँ सभी लोगों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम सब लोग मिल करके इसी तरीके से 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो एक विकसित भारत दुनिया का सबसे अच्छा भारत बनाने में कामयाबी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी से अनुरोध करती हूँ कि वह कृपया कार्यक्रम के आदरणीय विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री श्री कौशल की। अब मैं अनुरोध करती हूँ विशेष महानिदेशक श्री रंजीत सिंह जी से कि वह कृपया आदरणीय विशेष अतिथि माननीय आज के कार्यक्रम के अंत में मैं आदरणीय विशेष महानिदेशक श्री रंजीत सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे समारोह में CPWD के 169 CPWD डे पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री कौशल किशोर जी, रेस्पेक्टेड श्री मनोज जोशी जी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, रेस्पेक्टेड श्री राजेश कौशल जी डायरेक्टर जनरल CPWD, सीनियर एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ CPWD, ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड ऑफिसर्स ऑफ CPWD ज्वाइनिंग दिस फंक्शन, डिग्निटरीज ऑन डायस, गेस्ट कुलीग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन,
On behalf of CPWD, I take this opportunity to propose vote of thanks to our chief guest, Honorable Minister of State, Housing and Urban Affairs, Sri Kaushal Kumar ji, for his kind presence and gracing the occasion. Sir, Sir, we are really grateful for your continued guidance and support. Sir, we are deeply indebted for your presence, inspiring words and blessings. Under your dynamic leadership, sir, all CPWD officers and staffs feel enthused to give their best to the task of nation building. We would like to express our sincere thanks to Sri Manoj Joshi ji, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, for his kind presence and words of guidance and support. Sir, we would like to assure you that CPWD will further accelerate its growth and emerge as an organization of engineering excellence with you leading up to the forefront. I take this opportunity to thank Director General CPWD, Sri Rajesh Kaushal ji, for his beaming guidance and attention to all the details of this function. I express my gratitude and thanks to all the retired officers of CPWD who have come all along to attend this function. I am thankful to entire team of CPWD officers and staffs who have been instrumental in organizing this annual day function. I would like to express my thanks to all the officers of CPWD who are present here in this hall and those joining us through video conference for participation in the function. I will be missing my duty if I forget to express my thanks to our great Officers Wife Association, the President of Wife Association and their executive body who for organizing the very grand function, cultural evening yesterday. We are really grateful to you all and thank you all for organizing.